Hello everyone, I am Sunil and welcome to E1 Coaching Center YouTube channel. तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री के यूजेस हैं उसके रिगार्डिंग वीडियो देखेंगे जो कि आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में हमारी बहुत हेल्प करेंगे, जैसे कि CHSL तो अभी आने ही वाला है मार्च में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हु इज फादर ऑफ केमिस्ट्री। हम कोई भी स्ट्रीम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री जरूर पता होनी चाहिए या फिर उसके फादर जो हैं वो पता होने चाहिए हमें, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन बेसिकली बन जाते हैं। तो जो फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं वो हैं एंटोनी लेवोसियर। इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी दिया था, कंजर्वेशन ऑफ मास। जो जॉर्ज मेंडल हैं इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, चार्ल्स वेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर्स बोलते हैं, और आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले जो शून्य थी उसकी खोज की थी या फिर उसका यूज़ कैसे करते हैं फर्स्ट टाइम इन्होंने ही बताया था। और आर्यभट्ट ने ही फर्स्ट टाइम बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये केमिस्ट्री में कुछ टर्म्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, इनके डिस्कवरर कौन थे उनके बारे में मोस्टली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो रैंडमली पूछ ले जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। बेसिकली ये एटम है, अगर इसके न्यूक्लियस के अंदर जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर रिवॉल्व करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी वो की थी जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की थी रदरफोर्ड ने। इन केस अगर ऑप्शन में रदरफोर्ड ना आए तो हम गोल्डस्टीन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि गोल्डस्टीन ने सबसे पहले एनोड रेस के बारे में बताया था जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं और प्रोटॉन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। आंसर इसका रदरफोर्ड होगा बिल्कुल ही, लेकिन इन केस रदरफोर्ड का नाम दिया हो तो उस समय पे हम गोल्डस्टीन को लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्होंने बताया था। उसके बाद आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, और इनकी जो डिस्कवर किया था वो किया था जेम्स चैडविक ने। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जैसे मैंने बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के बाहर रिवॉल्व करता है, तो उसकी डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने। सबसे पहले तो हम देखेंगे रैपनिंग ऑफ फ्रूट। जो फ्रूट है, जो रॉ फ्रूट होता है, उसको आजकल क्या करते हैं जो बिजनेसमैन हैं अपने फ़ायदे के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ करके उसको जल्दी पका लेते हैं, जो कि कई बार हमारी सेहत के लिए हानिकारक भी होता है। तो हम ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में मोस्टली पूछ लिया जाता है कि इसके लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है, तो हम इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। फर्स्टली तो हम देखेंगे इसके दो मेथड हैं। एक तो इसको इथाइलिन या फिर इथीन बोल लीजिए, उससे पकाया जा सकता है, जो कि एक सही मेथड है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो मेथड बैन कर रखा है वो है एसिटाइलिन, एसिटाइलिन बोल लीजिए या फिर इसको कैल्शियम कार्बाइड बोल लीजिए। क्योंकि जब भी मान लीजिए किसी फ्रूट वाले ने इनकेस अगर किसी बाल्टी में या किसी बकेट में कुछ फ्रूट्स रखे और उसके ऊपर उसने कैल्शियम कार्बाइड छिड़का और उसके ऊपर कुछ पानी डाल दिया, छिड़क दिया, कुछ समय बाद वो जो है फ्रूट पक जाएगा और वो फ्रूट जल्दी पक जाएगा, और अगर ऐसा फ्रूट हम कंज्यूम करते हैं तो ये हमें कैंसर भी कर सकते हैं जो भी इसको कंज्यूम करेगा। तो इसलिए अवॉइड कीजिए इस तरह की चीज़ें खाने से। और जो जिसमें भी एसिटाइलिन या कैल्शियम कार्बाइड यूज़ होगा उस फ्रूट के ऊपर हल्का हल्का वाइट कलर के धब्बे भी मिलेंगे, तो उसी से आप उसको ईजिली पहचान भी सकते हैं कि आर्टिफिशियली पकाया गया है, इसलिए ये मेथड जो है बैन किया हुआ है। और जो अलाउड मेथड है वो है इथाइलिन या फिर इथीन, बिकॉज जो रॉ फ्रूट को पकने के लिए जो हार्मोन जरूरत होता है, फाइटो हार्मोन जो जरूरत होता है वो इथीन ही होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसे लीगलाइज कर रखा है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, चार ऑप्शन देंगे, हमें सिलेक्ट करना है। इनकेस अगर इथाइलिन और इथीन और एसिटाइलिन ये ऑप्शन में दिया हुआ है तो उस समय पर हम इथाइलिन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये जो मेथड है अलाउड मेथड है। इनकेस अगर एसिटाइलिन दिया है और बाकी अगर तीन ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो उस केस में हम एसिटाइलिन या फिर कैल्शियम कार्बाइड पे टिक करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम अल्कोहल की। अल्कोहल के अंदर बेसिकली दो तरह की होती है, एक जहरीली शराब होती है और एक जो कंज्यूमेबल होती है। जैसे कई बार हमने न्यूज़पेपर में भी सुना हुआ है कि जहरीली शराब पीने से कई लोग मर गए। तो जो जहरीली शराब होती है वो होती है मिथाइल अल्कोहल, और जो कंज्यूमेबल होती है उसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, बिकॉज इसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, जहरीली भी होती है। और इसको याद करने की ट्रिक यही है कि जैसे इसके स्टार्टिंग में एम आता है तो एम से हम क्या याद करते हैं, मरा, इसलिए हम इसको इजीली याद कर सकते हैं कि जो मिथाइल अल्कोहल है वो जहरीली शराब होती है।
और इथाइल अल्कोहल में जो वर्ड ई है, ई से हम लोग जैसे शराब पी के लोग वैसे इंजॉय करते हैं, तो इसलिए हम इजीली इसको याद कर सकते हैं कि जो इथाइल अल्कोहल है C2H5OH वो कंज्यूमेबल है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की। जैसे कि हमने बचपन में स्कूल में पढ़ा ही था कि स्टेट जो मैटर की स्टेट होती हैं वो तीन होती हैं बेसिकली, लेकिन इन केस कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए तो जो स्टेट ऑफ मैटर होंगी वो होंगी पाँच। इसके अंदर प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी ऐड हो जाएगा। इन तीनों के बारे में तो बेसिकली हर स्टूडेंट जानते ही होगा। सबसे पहले मैं प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बताऊंगा, और अगर इनकेस टाइम लगा तो मैं इस दोनों के बारे में भी, तीनों के बारे में भी बता दूंगा। तो पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा बेसिकली होता क्या है, किसी भी चीज़ को प्लाज्मा में, गैस को प्लाज्मा में कन्वर्ट करने के लिए उसको हाई टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है। और जब भी गैस हाई टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में आती है तो जो गैस जो है ये चेंज हो जाती है प्लाज्मा के अंदर। और बेसिकली आजकल हमने देखा होगा एड्स भी आती हैं प्लाज्मा टीवी की, वो इसीलिए आती हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर भी इजीली काम कर सकता है। पुराने समय में जो घर में टीवी होते थे वो ज़्यादा देर तक चलते थे तो हम देखते थे कि वो गर्म हो जाते थे, लेकिन आप प्लाज्मा टीवी को कितनी देर तक चलाइए ये कभी भी गर्म नहीं होगा। और ये एज ए गैस कटर भी यूज़ होता है, और गैस कटर में ये ईजिली आयरन और स्टील को काट सकता है, और प्लाज्मा टीवी के अंदर ये हाई टेम्परेचर रेजिस्ट कर सकता है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा टाइम तक चला सकते हैं। चलिए मैं एक बार बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ गैस के बारे में ही है, बिकॉज ये इन दोनों का एक्सपेरिमेंट था इसलिए इसका नाम बोस आइंस्टाइन दिया गया है। बिकॉज एक बार बोस जी ने आइंस्टाइन से पूछा कि वैसे तो हमको पता है कि गैस का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होती है गैस, बट हम ये भी जानते हैं जो आसमान में जो ये क्लाउड बनते हैं ये इनका कलर होता है और ये गैस से बने होते हैं, तो इनका कलर क्यों होता है। तब एट दैट टाइम आइंस्टाइन और बोस ने एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया था कि जो क्लाउड्स का जो कलर होता है वो होता है उनके लो टेम्परेचर करके। इसलिए गैस का कोई टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन जो गैस का कोई कलर नहीं होता इसीलिए जो क्लाउड है वो लो टेम्परेचर करके जो है कलर दिखा रहे हैं। इसीलिए जब भी गैस जो है वो कंडेंसेट होकर जाएगी तो वो लिक्विड बन जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं बारिश के अंदर पहले वाष्पीकरण होता है, पानी ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है, इसी तरह से ये जो है फिफ्थ स्टेट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि सॉलिड का जो है डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट मास होता है। लिक्विड का जो है कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, डेफिनेट मास जरूर होता है, क्योंकि हम लिक्विड को जिस भी शेप के कंटेनर में डालते हैं उसी तरह का शेप ले लेता है। और जो गैस का होता है कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो इससे हम एक चीज़ क्लियरली देख सकते हैं कि इसके जो स्ट्रक्चर के अंदर है इसकी जो पैकिंग होगी वो इतनी हार्ड होगी कि इसके जो पार्टिकल अंदर के वो मूव नहीं कर सकते, किसी भी जगह मूव नहीं कर पाएंगे। और लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर हल्का हल्का स्पेस होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का स्पेस है, और जो गैस है गैस के पार्टिकल में तो स्पेस ही स्पेस है। अब इसी से चीज़ तो क्लियर है कि जहाँ पे स्पेस ज़्यादा होगा वो पार्टिकल ईजिली मूव कर सकते हैं, ये चीज़ बिल्कुल ईजिली क्लियर है। तो इसका मतलब है कि जो गैस की काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड की उससे कम होगी और सॉलिड की उससे कम होगी, क्योंकि हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वी का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी एक मूविंग पार्टिकल ही हो सकती है, इसीलिए जो पार्टिकल ज़्यादा मूवेबल हो सकता है उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का हम लोग इन केस अगर ऑर्डर लगाएंगे, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, तो हम लगाएंगे सॉलिड से लिक्विड की ज़्यादा होती है, सॉरी लिक्विड की ज़्यादा होती है सॉलिड से, और गैस की सबसे ज़्यादा होती है, तो ये इसका ऑर्डर होगा। लेकिन अगर इन केस बात पूछी जाए डेंसिटी की, तो डेंसिटी का मतलब बेसिकली होता है नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन यूनिट, ठीक है, जो कि क्योंकि इसमें फ्री स्पेस कहीं पे है भी नहीं और नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम है, इसलिए सॉलिड की जो डेंसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड की उससे कम और गैस की सबसे कम। तो इसका जो होगा ऑर्डर होगा वो इस तरह से होगा। ये चीज़ आई थिंक अब क्लियर है कि काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी में इनका ऑर्डर क्या होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर। जो वाटर की डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इवन कि IAS लेवल तक के ऐसे क्वेश्चन इसी के बारे में पूछे जाते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर के बारे में पूछा गया है, काफ़ी टाइम पूछा भी हुआ है और हो सकता है आगे भी पूछा जाए।
तो इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि हमें ये चीज़ और क्लियर होती जाए। इसका मतलब ये है कि देखिए पहले तो कि जो डेंसिटी होगी मैक्सिमम 4 डिग्री टेम्परेचर पे होगी, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। मान लीजिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेगा एक कि अगर वाटर का टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस जा रहा है तो इसकी डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, चार ऑप्शन दे देगा कुछ भी। तो जैसे हम जानते हैं कि जब ये 6 से 4 की तरफ जाएगी तो बीच में कहीं ना कहीं 4 तो आएगा ही, और जैसे ही 4 पे आएगा तो उस टाइम पे उसकी डेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज़, क्योंकि जब 4 के बाद ये 0 की तरफ जाएगी तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। इसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चन और लगा के देख लेते हैं ताकि ये चीज़ और क्लियर हो जाए। जैसे पूछा हुआ है इसमें, व्हाट विल इफेक्ट टू डेंसिटी व्हेन इट गोज़ टू 10 डिग्री टू 6 डिग्री। अब ये 10 है और ये है 6 डिग्री, ठीक है। अब इस बात का हमें पता है कि जो 4 डिग्री होगा वो 6 के आसपास ही होगा। अब जब ये 10 टू 6 जाएगा दैट मीन्स ये 4 के नियर अबाउट जा रहा है, 4 नहीं गया लेकिन 4 के नियर अबाउट जा रहा है, तो इसलिए डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज। एक और लगा देते हैं, 0 टू 10 डिग्री, 0 डिग्री टू 10। अब 0 के 10 में 4 यहीं कहीं आएगा बीच में, तो पहले क्या होगा, जो डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी जब वो 4 तक जाएगा, और आफ्टर 4 टू 10 जाएगा तो डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली हैं, घुमा के दे दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि ऐसा नहीं किया है, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। हमें 4 का फंडा याद रखना है, अगर 4 के आसपास रहेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी, 4 से दूर जाएगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी। अब देखते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ गैसेस। कंपोजिशन ऑफ गैसेस हम नॉर्मली एग्ज़ाम में पूछा तो अर्थ का ही जाता है, लेकिन आजकल जो है वैरायटी ज़्यादा आने लगी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस की, तो इसलिए हम लोग यूनिवर्स का भी देखेंगे, सोलर एटमोसफेयर का भी देखेंगे और अर्थ का भी देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे यूनिवर्स का। जो यूनिवर्स है उसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस है उसकी क्वांटिटी जो है सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद नंबर आता है हीलियम का। और सेम थिंग फॉलो करती है सोलर एटमोसफेयर के अंदर, उसके अंदर पहले हाइड्रोजन और फिर हीलियम। और जो सन होता है उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही है जो सन के अंदर एनर्जी का कारण है। फ्यूज़न के अंदर होता क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। हाइड्रोजन के 2 एटम कंबाइन होके एक हीलियम प्रोड्यूस करते हैं, दैट मीन्स फ्यूज़न का मतलब ये होता है कि 2 पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बनाते हैं और एनर्जी जो है रिलीज होती है। फ्यूज़न और फिजन में कन्फ्यूज़ नहीं होना, फिजन के अंदर एक पार्टिकल टूट के 2 बनाता है, यहाँ पे हम फ्यूज़न का देख रहे हैं। तो जैसे कि इसने लिख रखा है, हाइड्रोजन के 2 एटम मिले हुए हैं, उन्होंने हीलियम बनाया है और ये जो एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो रही है। और ये जो है ये 2-1 लिखा है, 3-1 लिखा है, ये जो है आइसोटोप है हाइड्रोजन के। इसके बारे में मैं कोई अगली वीडियो बनाऊंगा तो आइसोटोप्स वगैरह ये सारे टॉपिक ये मैं कवर करूंगा उसके अंदर। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ गैसेज इन अर्थ एटमोसफेयर। सबसे ज़्यादा जो हमारे एटमोसफेयर में है वो है नाइट्रोजन गैस, उसके बाद है ऑक्सीजन, उसके बाद है आर्गन। आर्गन जो है एक इनर्ट गैस है, ये नोबल गैस कह लीजिए। नोबल गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्टेबल है, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट है, इसलिए इसको हम नोबल गैस बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरी चीज़ के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करती। उसके बाद नंबर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कई बार एग्जाम में कंपोजिशन पूछ लेते हैं तो मैंने कंपोजिशन भी लिख दी है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, इनको अरेंज करने के लिए पूछ देंगे या फिर पूछ लेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में वो कौन सी गैस है, वो कौन सी नोबल गैस है जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन में आपको दे देंगे, तो आपको टिक करना होगा कि कौन सा सही है। तो आप इसको हर एंगल से देख लीजिएगा कि क्वांटिटी कितनी है और कौन सी गैस कौन से नंबर पे आती है। कुछ नोबल और इनर्ट गैस भी दी हैं, कई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 4 ऑप्शन दे देंगे, मान लीजिए हाइड्रोजन दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया एंड हीलियम दे दिया, तो पूछ लेंगे कि इनमें से इनर्ट गैस कौन सी है, तो इनर्ट जो गैस होगी वो होगी हीलियम। तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 2 होता है। ये पीरियोडिक टेबल में गैस जो है बिल्कुल ही मैंने पीरियोडिक टेबल की जैसे ही इसमें लगाई हैं, इसके अंदर जो आउटर मोस्ट शेल में 2 हैं इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए स्टेबल है। क्योंकि अगर किसी भी एटम है मान लीजिए, अगर उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2, 8, 18 या फिर 32 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होगा, और
और जैसे जितनी भी ये इनर्ट गैसेज हैं इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जैसे कि 8, 8, 18, 18 और 32 हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेबल है, क्योंकि कोई भी एटम है वो इन्वायरमेंट के अंदर स्टेबिलिटी चाहता है और ये इनके पास स्टेबिलिटी ऑलरेडी है, इसलिए इनको नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एलपीजी की। बेसिकली एलपीजी हमारे घर में यूज़ होती है, जिसकी फुल फॉर्म है वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और जिसकी कंपोजिशन है 10% जो इसके अंदर इथेन होता है, 20-30% प्रोपेन, एंड जो मेजोरिटी होती है 60-70% वो होते हैं ब्यूटेन के अंदर। बट मेनली आजकल एग्ज़ाम में पहले इथेन का ऑप्शन भी आता था, लेकिन आजकल एग्ज़ाम में प्रोपेन और ब्यूटेन ही आता है, इसलिए जो मेनली कंसिस्ट करते हैं कंपोजिशन होती है इसकी प्रोपेन और ब्यूटेन की होती है, और जो इसका प्रेशर होता है 100-120 bar होता है, और बार जो है प्रेशर की नापने की यूनिट होती है। अब हम बात करते हैं सीएनजी की। सीएनजी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी बोलते हैं, इसके अंदर बेसिकली इथेन और मीथेन होती है। मीथेन हम जानते हैं कि गोबर गैस के अंदर जो मेनली सोर्स होता है वो मीथेन का ही होता है, और इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो 200-250 bar का होता है। और मैं एक बात बता दूँ, मीथेन को जो है मार्शी गैस भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं किस गैस को मार्शी गैस बोलते हैं, क्योंकि ये दलदली वाले क्षेत्रों से भी पाई जाती है, इसलिए इसको मार्शी गैस बोलते हैं। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। बेसिकली ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं हॉस्पिटल के अंदर ही यूज़ होते हैं, जब भी किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उस सिलेंडर के अंदर 15% तो हीलियम होती है और 85% अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीजन होती है, और इन दोनों के कम्बिनेशन को हेलियोक्स भी बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं वेल्डिंग गैस की, जो कि वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज़ होती है। इसके अंदर ऑक्सीजन और एसिटाइलिन दोनों होते हैं, इसके दोनों कम्बिनेशन को ऑक्सी एसिटाइलिन भी बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली जो टेम्परेचर होता है वो होता है 3200 से 3500 degrees Celsius, और इसकी एबिलिटी भी है वेल्डिंग गैस की कि यह टंगस्टन को भी मेल्ट कर सकता है, क्योंकि टंगस्टन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, और इसीलिए ये घर के अंदर जो बल्ब यूज़ होते हैं उनके अंदर फिल होता है, उनका जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत ही लेट पिघलेगा और जो हमारा बल्ब है काफ़ी टाइम तक चलेगा, जल्दी फ्यूज़ नहीं होगा। लेकिन जो वेल्डिंग गैस है ये गैस टंगस्टन तक को मेल्ट कर सकती है। अब हम कुछ MCQs लगा लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो टॉपिक मैंने पहले कवर किए हैं उनके ऊपर MCQ लगा लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम में पहले आए हुए हैं और यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट रिपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट। तो जैसे मैंने बताया था कि जो इसका अलाउड मेथड है वो तो है इथाइलिन, ये क्या है अलाउड मेथड है, और जो एसिटाइलिन है ये बैंड मेथड है। अगर ऑप्शन के अंदर दोनों देगा तो उस केस में हम लोग इथाइलिन को लगाएंगे जो कि अलाउड मेथड है। इन केस अगर यहाँ पे ऑप्शन में इथाइलिन की जगह ब्यूटेन देता और दो ऑप्शन यही रखता और लास्ट जो ऑप्शन एसिटाइलिन देता तो उस केस में हम एसिटाइलिन को ही टिक करते, लेकिन अगर दोनों दिएंगे तो हम उस केस में हम इथाइलिन को ही टिक करेंगे। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस, जैसे मैं पता ही है गोबर गैस के अंदर ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, इसके अंदर मीथेन गैस होती है, और मीथेन गैस को जैसे मैंने बताया था मार्शी गैस भी बोलते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और मैं देना चाहूँगा, जो कि कूड़े कचरे का ढेर होता है ना उसके अंदर मीथेन गैस बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है, और जैसे ही वो मीथेन गैस एयर के कॉन्टैक्ट में आती है तो वहाँ पर ब्लास्ट होता है। जैसे कि 1-2 महीने पहले अभी न्यूज़ में आया भी था कि दिल्ली के एक एरिया में ब्लास्ट हो गया था कचरे के ढेर में, वो इसीलिए हुआ था कि लार्ज क्वांटिटी के अंदर मीथेन जो है ऑक्सीजन की कॉन्टैक्ट में आ गई थी, जिस कारण ब्लास्ट हुआ था। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, जैसे कि मैंने बताया था अगर ये एटम है जिसका न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रोटोन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाहर रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। तो हमसे पूछा गया है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो हमने बता दिया जैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। द एनर्जी ऑफ द सन इज मेनली ड्यू टू न्यूक्लियर फीजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, हीट एंड रेडियो एक्टिविटी। तो इसका सही आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन। इसी में कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, इसमें लोग कन्फ्यूज़ ज़्यादा होते हैं, तो लेकिन हमें इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसका याद करने का ट्रिक ये भी है
कि जैसे सन के अंदर सेकंड जो लेटर है वो यू है, और फ्यूजन के अंदर भी सेकंड अल्फ़ाबेट जो है वो यू है। तो इससे हम इजीली याद रख सकते हैं कि सन के अंदर जो है न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। और फ्यूज़न के अंदर होता क्या है वो टर्म आपको पीछे भी समझा चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इनर्ट गैस, जैसे मैंने बताया था इनर्ट गैस को नोबल गैस भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एटम का जो है उसके एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं कंप्लीट होते हैं, या तो 2 होंगे या 8 होंगे या 18 होंगे, तो इसलिए उनको हम इनर्ट गैस बोलेंगे क्योंकि वो स्टेबल हैं। तो इसके अंदर जो है वो है हीलियम। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है और जिसका मास नंबर है वो 4 है। इसको बेसिकली एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और जो मास नंबर है इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जैसे कि हमें पता था कि ये गैस जो एलपीजी है वो इथेन प्लस प्रोपेन प्लस ब्यूटेन से बनती है, लेकिन हमें पता है जो ब्यूटेन की जो है मात्रा है वो सबसे ज़्यादा है, तो मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसका होगा वो होगा ब्यूटेन होगा। और इसके अंदर एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि इन केस जो एलपीजी और सीएनजी है इन दोनों में से ज़्यादा सेफ कौन सी है, तो उन दोनों में सबसे ज़्यादा सेफ है एलपीजी है, क्योंकि हम इसकी जो लीकेज होती है वो इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर गैस के साथ एक इथाइल मरकैप्टेन जो है गैस जो है साथ में डाल देते हैं, और इसके अंदर जो है ये सल्फर कंटेंट होता है। जैसे कि इसी केमिकल कंपोजिशन जो होगी CH2CH3SH, यहाँ पे जो सल्फर है यही हमें डिटेक्ट करने में हेल्प करता है कि इसकी लीकेज हो गई है। अदरवाइज सीएनजी के अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि हम उसकी लीकेज को डिटेक्ट कर सकें वेरी इजीली। और इसके अंदर कई बार एक क्वेश्चन ये भी है कि जो सिगरेट है, जो सिगरेट लाइटर होता है उसके अंदर कौन सी गैस होती है, तो उसके अंदर भी ब्यूटेन गैस ही होती है। ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने बताए हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट है और लास्ट ईयर जो है एग्ज़ाम में पूछे भी हुए हैं। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा ले सके, और चैनल को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।